अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ हाईलाइट और बोटॉक्स ट्रीटमेंट आप साथ में कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि आप एग्जैक्ट सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो और कैसे आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो आपके क्लाइंट को। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैट्रिक्स का 12.35 नंबर का शेड, जो कि मुझे अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा गोल्ड और मोगनी टिंच है, उसके साथ 40 वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसे डायरेक्टली लगा रहा हूँ विदाउट प्रोलाइटनर। कुछ प्रोलाइटनर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके हेयर जो है वो पूरे वर्जिन हेयर थे, उनके बारे में कोई डाई या कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये यूज़ कर रहे हैं। उसको हमें लगाना है फॉइल्स को, फॉइल को प्लेस करेंगे और देखते आगे कैसे कैसे चीज़ें होती है। तो इसका मिक्सिंग रेशो सिंपल है 1:1.5, जिसका मतलब है अगर समझो आप 90 ml की पूरी ट्यूब ले रहे हो तो 135 ml आपको डेवलपर लेना है। अगर आप 30 ml कलर ट्यूब लेते हो तो आपको 45 ml डेवलपर लेना है। तो जो भी आप डेवलपर लोगे वो डेढ़ गुना ज़्यादा लेना है। उसके लिए हमने फॉइल पेपर कट करके रखे हैं, तो हम लोग फॉइल पेपर प्लेस करेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से। जैसे नेप का पार्ट है, नेप के पार्ट में मैं स्मॉल सेक्शन लूँगा, उसको अच्छे से वीव करूँगा छोटे छोटे सेक्शन लेके, ज़्यादा ब्रॉड नहीं, क्योंकि उनको क्लासिक हाईलाइट्स चाहिए, ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए उनको। तो उस हिसाब से हम लोग छोटे छोटे लेते हैं। आपके भी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है कि क्लाइंट को कितने बड़े लाइंस चाहिए। अगर उनको ज़्यादा बड़े चाहिए तो आप ब्रॉड भी ले सकते हो, बट एक्चुअली हम लोग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्मॉल ये स्ट्रिप्स यानी वीव्स ले रहे थे, जिससे कि उनको थोड़ा नेचुरल और सटल लुक चाहिए था। कुछ क्लाइंट को अगर सटल लुक नहीं चाहिए तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा उनको देख सकते हो। अभी जैसे एक नीचे मैंने लगाया क्योंकि वहाँ पे जगह कम होती है, यानी पार्ट कम होता है, तो आप इजीली एक फॉइल वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। उसके बाद देखो, मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ बीच में से, और क्रॉस सेक्शन में मैं फॉइल एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अभी एप्लीकेशन करूँगा फॉइल का। अभी आप देख सकते हो मैं बैक कॉम भी कर रहा हूँ। बैक कॉम इसलिए कर रहा हूँ कि उनके जो बीच में जो टूटे हुए बाल है या जो भी ब्रेकेज हुए बाल है वो बीच में आते हैं, जब होने के बाद कैसे ना वहाँ पे वो फ्रिज दिखता है, इसलिए हम लोग बैक कॉम करते हैं और उसको पीछे हटा देते हैं और अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। तो इसका भी टाइमिंग जो होगा वो हमें एक 35-40 मिनट रखना है, ज़्यादा 35-45 मिनट, वो विजुअल चेक करेंगे कि बालों में क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से कितना कलर हुआ है। और जब भी आप ये कलरिंग करते हो तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि AC या फिर फैन स्टार्ट होगा तो ज़्यादा ठंडा होगा तो वो कलर जो है प्रॉपरली नहीं आता है बालों के ऊपर, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो जब भी आप ये करते हो तो फ़ैन, AC ये सारी चीज़ें बंद रखो, तो फटाफट कलर आने में आपको मदद मिलेगी। और हो सके तो आप हॉट स्टीम भी दे सकते हो, थोड़ा सा ड्रायर का भी हीट दे सकते हो उनको अगर कलर नहीं डेवलप हो रहा है तो। बट ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब भी आप कलरिंग करते हो। तो छोटे छोटे सेक्शन आपको लेने हैं, जितने फॉइल लगाने हैं क्लाइंट को पूछ लीजिए, उस हिसाब से आप फॉइल को प्लेस कीजिए। आप देख सकते हो मैं एक साइड का पूरा लगा रहा हूँ, यानी नीचे नेप, उसके बाद वापस ऊपर, और ऐसे करके मैं क्राउन और फिर साइड के भी पार्ट में हाइलाइट्स लगाऊंगा। तो मुझे मैट्रिक्स का कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ 12.35, उसके साथ 40 का डेवलपर यूज़ कर रहा हूँ। इसका मिक्सिंग रेशो मैंने आपको बता दिया है आपको, यानी 30 ml ये कलर ट्यूब लेते हो तो 45 ml डेवलपर लेना है, यानी डेढ़ गुना ज़्यादा, 1:1.5 का मिक्सिंग रेशो है। तो वैसे ही मिक्सिंग करो प्रॉपर और उसके बाद इसे 35-40 मिनट रखो, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, और भी कुछ अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो ये हमारा नेप का एरिया हो चुका है, अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी हम क्राउन की तरफ अभी फॉइल लगाते हुए बढ़ रहे हैं। ये जो मैम थे ये मेरे पास चेंबूर से यानी मुंबई से आए थे, जो कि डिस्टेंस काफ़ी दूर है, कम से कम 150 किलोमीटर दूर होगा पुणे से। तो वो वहाँ से आए थे और उन्होंने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने वहाँ से डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है और मुझे यहीं पे करना है। तो दोस्तों, मुझे भी बहुत प्राउड होता है, बहुत क्लाइंट मेरे लिए इतने दूर से आते हैं,
और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छे से अच्छी सर्विस दूँ, उनको अच्छे से अच्छा ट्रीट करूँ। तो दोस्तों, आप जब भी काम करते हो तो काम को थोड़ा जेन्युइन काम करो, तो आपको भी बहुत दूर से आपके लिए क्लाइंट आएंगे, दूर से भी नहीं बट आपके जहाँ से भी आना चाहते हैं। जेन्युइन काम करो, प्रॉपर वे से काम करो, तो आपको भी क्लाइंटल मिलेगा। और एक चीज़, थोड़े दिनों में मेरा एकेडमी का काम चालू होने वाला है, यानी सलोन और एकेडमी मैं साथ में करूँगा, और थोड़ा बड़ा सलोन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके भी मैं थोड़े थोड़े ब्लॉग डालूँगा अगर आप चाहते हो तो देखते, छोटे 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 वीडियो भी बना दूँगा कि कैसे सलोन का सेटअप होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, सलोन का एरिया कैसे कवर करना है, कहाँ पे आपका हेयर सेक्शन होना चाहिए, कहाँ पे आपका स्किन सेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा अभी प्रोडक्ट यानी टाइमर हो चुका है, तो हम लोगों ने क्या किया, शैम्पू कर रहे हैं हम लोग, तो बोटॉक्स का जो फर्स्ट वाला शैम्पू है उसे लगा रहा हूँ मैं, और उसको 2-3 बार अच्छे से मर्ज करने के बाद, 5 मिनट रखने के बाद मैं उसको वॉश कर रहा हूँ। अभी उसके बाद क्या करना है, जो बोटॉक्स है उसके लिए आपको 80% बालों को ड्राई करना है, 80% 80% ड्राई होने के बाद आपको प्रोडक्ट लगाना है और उसे प्रॉपरली इमल्सिफाई करना है कोम के ज़रिए। तो आप देख सकते हो मैंने प्रोडक्ट लगाया, एक प्रोडक्ट लगने के बाद प्रॉपरली फोम की तरह होता है और अच्छे से बालों में फैल जाता है। तो आप जब भी करते हो तो थोड़े से बड़े सेक्शन भी ले सकते हो, इसमें स्मूदनिंग की तरह नहीं, एकदम स्मॉल स्मॉल सेक्शन, तो बड़े सेक्शन में भी आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सलोन का भी सेटअप रहेगा फिर तब मैं थोड़ा सा एकेडमी पे थोड़ा ध्यान दूंगा, यानी प्रॉपर मैं लोगों को बता पाऊंगा कि यहाँ पे एकेडमी है या फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं सारे डिटेल छोटे छोटे डालते रहता हूँ। तो अगर मेरा सलोन का सेटअप जल्दी हो गया, लगभग 1 महीना तो जाएगा उसमें, तो अगर वो होता है तो मैं उसका भी अपडेट आपको दे दूँगा। और अगर आप उसके भी वीडियो चाहते हो कि सलोन का सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, कैसे चेयर लेने हैं, क्या क्या, क्योंकि मैं भी वो पूरा नया सेटअप बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको वो भी देखना होगा तो ज़रूर कमेंट करना, तो मैं ज़रूर उसका भी आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों, ये जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है उसके भी बहुत सारे फ़ायदे, मैंने बोटॉक्स का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने उसके लिए पूरा डिटेल में समझाया कि बोटॉक्स क्या होता है, क्या काम करता है, कितने दिन तक रहता है, क्या, तो आपको पूरा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमने आयन किया है, एक हेयर को कम से कम आपको 14 बार आपका रिपीट आयन होना चाहिए एक एक स्ट्रैंड पे। तो आप सोचो कि कितना प्रॉपर आयनिंग होना चाहिए, क्योंकि आप तो आयनिंग की वजह से क्या होता है, पेनिट्रेट होता है, जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो वो अच्छे से पेनिट्रेट होता है बालों में, तो उसके लिए हम लोग अच्छे से आयन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, और आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए होंगे किसी भी बारे में तो ज़रूर मुझे बताना। आप देख सकते हो कितना शाइन आ रहा है। तो अभी इसका जो वॉश है हम लोग दूसरे दिन करेंगे, यानी 24 घंटे बाद करेंगे, सेम डे के लिए वॉश नहीं होता है बोटॉक्स में, मैंने उसमें भी डिटेल दिया, उसमें भी आपको आयनिंग करना है दूसरे दिन बड़े बड़े सेक्शन लेके, और आपको वॉश करना है उसके शैम्पू कंडीशनर के साथ, तो आपका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, और कैरेटिन बोटॉक्स में बिल्कुल भी कलर फेड नहीं होता है। तो दोस्तों देखो कितना अच्छा रिजल्ट है इनके हेयर्स के ऊपर, कलर भी आपको प्रॉपर दिख रहा है 12.35, और उसके साथ हम लोगों ने कैरेटिन ट्रीटमेंट किया है, और मैम बहुत खुश थे, वो मुंबई से आए थे मेरे पास, तो थोड़ा सा लगता है कि यानी बहुत अच्छा लगा हमें भी कि वो इतने दूर से आए हमारे लिए, और उनको भी हमने अच्छी सी सर्विस दी, और उनको वो सर्विस काफ़ी हद तक अच्छी लगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ डायरेक्ट, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और जो लाइंस है वो कितने अच्छे लग रहे हैं दिख रहा है आपको, और बहुत फ्रीजी हेयर थे और बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस था, और उन्होंने लास्ट कही तो कैरेटिन किया था तो वो ज़्यादा लास्ट नहीं हुआ था, तो वो बहुत होप लेके हमारे पास आई थी कि मुझे अच्छा रिज़ल्ट चाहिए और बाल मेरे बहुत अच्छे चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोगों ने बोटॉक्स सजेस्ट किया और उनके हेयर्स के ऊपर बोटॉक्स किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट है, कितने अच्छे हेयर्स लग रहे हैं उनके, और बालों का थिकनेस भी काफ़ी अच्छा था, बालों की क्वालिटी भी अच्छी थी, बस हम लोगों ने और बोटॉक्स करके इन बालों में और जान भर दी और उनके साथ हाईलाइट भी किए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को, और सपोर्ट करो इंस्टाग्राम पे आप, मैं छोटे छोटे रील्स बनाता हूँ और अपडेट देता हूँ एकेडमी के, तो वो भी एक बार चेक करो, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ रोज़ की उसके ऊपर ही अपलोड होती है। थैंक यू सो मच।